हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं करने वाला हूँ लोकी सीरीज के एपिसोड 2 का रिव्यू, के पर्सनली मुझे कैसी लगी और साथ ही साथ इसकी मैं एंडिंग को भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एंडिंग में जो सस्पेंस जुड़ा है वो गाइस बहुत ही ज्यादा कमाल का था। और देन साथ ही साथ बात करूंगा वीडियो के एंडिंग में न्यू ट्रेलर के अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यू अपडेट के बारे में। डिज्नी प्लस जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसपे कि हमें हर तरीके का कंटेंट देखने को मिलता है, जिसमें कि आप कह सकते हो स्टार वॉर्स का कंटेंट, मार्वल का कंटेंट, डिज्नी प्लस की मूवी टीवी शो। और देन डिज्नी प्लस ने यही पर कंफर्मेशन करती है कि अब तक का जितना ओवरऑल कंटेंट है सबसे ज्यादा देखने वाली टीवी सीरीज लोकी है। जी हाँ, उन्होंने मैंडोलिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वांडा विजन, फैल्कन विंटर सोल्जर का रिकॉर्ड तोड़ दिया और लोकी पहले नंबर पे आ चुकी है, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट देखे जाने वाली टीवी सीरीज बन चुकी है डिज्नी प्लस पर। तो ये बहुत बड़ी बात है हम सब मार्वल फैंस के लिए। और देन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लोकी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया तो आने वाले फ्यूचर में मूवीज के और टीवी शोज का क्या होगा, वो कितने रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो यार ये सोचकर ही पता चलता है कि मार्वल का कितना बड़ा फैन बेस है और देन इंडिया में लोग मार्वल को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिव्यू के बारे में। तो लोकी एपिसोड 1 100% मिले रोटेन टोमेटोज से और मुझे पर्सनली एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया। और देन जब एपिसोड 2 देखा तो भाई लोकी का कैरेक्टर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में है, क्योंकि लोकी अब टीवीए के साथ काम करने लग गया है, समझने लग गया है कि टाइम धारा कैसे काम करती है और देन टीवीए कैसे काम करता है। तो फाइनली एपिसोड 2 बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बस मुझे थोड़ी सी एक छोटी सी अजीब सी चीज लगी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि शायद एपिसोड 2 में हमें कुछ साइंस फिक्शन देखने को मिलेगा, फाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे और कुछ टाइमलाइन चीजें देखने को मिलेंगी, पर ऐसा तो कुछ ज्यादा था नहीं। हाँ, बीच बीच में पोम्पी वाले सीन थे, जो कि एक बहुत बड़ी कह सकते हो इटली में आपदा आई थी, एक ज्वालामुखी फूटा था, वो रियल में एक इवेंट है, ठीक है, वो हमें देखने को मिला जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद हमें 2050 का सीन देखने को मिला, जो कि एक रॉक्स मॉल है, शॉपिंग सेंटर बहुत बड़ा है, 2050 में सुनामी आई हुई है, ठीक है, वो सीन हमें देखने को मिला जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था। और आपको बता दूं रॉक्स ऑलरेडी हमें आयरन मैन 3 में भी देखने को मिल चुका है, ये एक नेम है कंपनी का जिसके जहाज भी है, जिसके सेपिंग सॉन्टर मॉल भी है, वो हमें 2050 तक देखने को मिला। तो इसका मतलब मार्वल की बहुत ज्यादा बड़ी फ्यूचर प्लानिंग है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 2050 में इतनी बड़ी आपदा आई होती है तो एवेंजर्स कहाँ थे, एवेंजर्स लोगों को क्यों नहीं बचा रहे थे, क्योंकि कोई भी न्यूज चैनल पे कोई भी खबर नहीं आ रही थी। तो मेरे मन में एक और क्वेश्चन पुट अप हो गया, क्या 2050 तक कोई एवेंजर्स जिंदा है भी या नहीं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, तो शायद हमें इसका जवाब फ्यूचर में पता चले। पर फिलहाल लोकी में हमें 2050 का ऐसा सीन देखने को मिला जिसमें कि टीवीए और लोकी साथ मिलकर 2050 में जाते हैं और एक जो लोकी का अदर वर्जन है उसको पकड़ते हैं। तो ओवरऑल एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और देन एंडिंग में जो सस्पेंस छोड़ा वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था। तो चलिए बात करते हैं एंडिंग में कि एक्चुअल में लोकी के एपिसोड में एंडिंग में हुआ क्या। तो फाइनली यहां पे रिवील्ड हो जाता है कि जो अल्टरनेट वर्जन है लोकी का वो एक लेडी लोकी है, फीमेल लोकी है, ठीक है, जिसका मकसद ही कुछ और है, ठीक है। और मकसद वो क्या है वो अभी तक रिवील नहीं करा, क्योंकि टोटल लोकी के 6 एपिसोड आने वाले हैं जिसमें कि 2 आ चुके हैं, अभी 4 एपिसोड और बाकी हैं और 4 एपिसोड में हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और जहां तक मुझे पर्सनली लगता है कि शायद 3rd एपिसोड में हमें लोकी और ब्लैक विडो साथ देखने को मिले। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं थोड़ा एंडिंग के बाद, थोड़ा एंडिंग के ट्रैक पे वापस आ जाते हैं, मैं घूम जाता हूं बार बार, ठीक है। तो यहां पर फीमेल लोकी जिसका मकसद कुछ और है, उसने क्या करा था कि अब तक के सभी टीवीए के मेंबर्स को पकड़ पकड़ के उनसे टाइम बॉम्ब छुड़ा लिए थे, जिसका काम था मेन के टाइम को रीसेट करना, यानी कि जो भी कह सकते हो जो भी गड़बड़ होती है उस चीज को रीसेट कर देना, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको मैं एग्जांपल में लूँ कि सन 2012 में न्यूयॉर्क सिटी में जब लोकी ने हमला करा था और एलियन की पूरी सेना न्यूयॉर्क सिटी पर आ गई थी, तो सभी 5 एवेंजर्स ने एक साथ मिलकर पूरे न्यूयॉर्क को बचाया था। तो अगर उस टाइम पीरियड में अगर वो टाइम रीसेट बॉम्ब गिरा दिया जाए और सब कुछ रीसेट हो जाए, तो क्या सारे एवेंजर्स मिलकर न्यूयॉर्क सिटी को बचाएंगे? नहीं बचाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ रीसेट हो चुका और ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वहीं से दूसरी टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी और फिर दोबारा सारे इवेंट अलग अलग होंगे, फिर रैग्नारोक नहीं होगा, एवेंजर्स एंडगेम नहीं होगी, इन्फिनिटी वॉर नहीं होगी, सिविल वॉर या फिर कह सकते हो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, आयरन मैन 3 तक का इवेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा था कि एवेंजर्स के बाद ही आयरन मैन 3 में आयरन मैन को सपने आते थे उस होल के, जहां पर वो अलग यूनिवर्स बना हुआ, अलग स्पीसीज रहती है एलियंस की। तो ऐसे कुछ इवेंट नहीं होंगे और वहीं से एक टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें लोकी के एपिसोड 2 में देखने को मिला कि फीमेल लोकी ने वो टाइम रीसेट बॉम्ब अलग अलग टाइमलाइन में गिरा दिए। अब मैं मेन मेन इवेंट के नाम लेता हूं जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, बस उनकी टाइम और डेट मेरे को इतनी ज्यादा पता नहीं है, पर मैं अपने वेबसाइट पे पोस्ट डाल दूंगा तो वो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं अपनी स्टोरी पे भी डाल दूंगा। तो सबसे पहले जो टाइम बॉम्ब गिरता है वो गिरता है वॉरमीर पर, फिर उसके बाद गिरता है सकार पर,
ठीक है, फिर उसके बाद गिरता है एसगार्ड पर, फिर उसके बाद गिरता है ईगो द प्लेनेट, फिर उसके बाद गिरता है टाइटन प्लेनेट पे जहां पे थैनोस रहता है, फिर उसके बाद गिरता है जेंडर पर, फिर उसके बाद गिरता है न्यूयॉर्क सिटी पर, फिर उसके बाद गिरता है हेला पर जहां पर कैप्टन मार्वल का प्लेनेट है। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब जगह वो टाइम बॉम गिरता है, जो कि जिस जिस जगह उन उन जगह जो क्या कह सकते हो एक तरीके से आपदा आई होगी या जो भी इवेंट हुए होंगे या ईगो प्लेनेट के साथ या 2012 में, 2012 में तो नहीं या न्यूयॉर्क सिटी में जो भी इवेंट हुए होंगे उन सबको वो रीसेट कर रहा है, ठीक है, और उनकी अलग अलग टाइमलाइन क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे फीमेल लोकी का मुझे पर्सनली जो मकसद लगता है कि ये है कि टीबीए अब उन सब टाइमलाइन को सही करने के लिए पहुंच चुका है, और यहाँ पे फीमेल लोकी को कुछ और जो उसका मेन मकसद है वो उसे समय मिल चुका है, क्योंकि पूरी टीम तो टाइमलाइन को सही करने में लगी हुई है और फीमेल लोकी को यहाँ पे समय मिल गया, अब वो अपनी नई खुरापात स्टार्ट करने वाली है। तो शायद आपको शायद मे भी समझ में आ गया होगा कि जो वो टाइम रीसेट बॉम्ब है वो कहाँ कहाँ जाके गिरे और उनका मेन मकसद क्या है। तो हाँ, होपफुली शायद ईगो प्लेनेट, टाइटन प्लेनेट पे जो आपदाएं हुई हैं, जो थैनोस ने करा है, वो सबकी अलग अलग टाइमलाइन क्रिएट कर दी है और टीबीए पूरी टीम लग चुकी है उस टाइम पीरियड को सही करने में, और यहाँ पर हमारी फीमेल लोकी अपना नया प्लान क्रिएट करने में लगी होगी कि अब मुझे क्या करना है। तो देखते हैं पता नहीं क्या होगा इन फ्यूचर एपिसोड में। और देन उसके साथ गाइस अब बात करते हैं न्यू अपडेट के बारे में। तो फाइनली नेक्स्ट वीक तक हमें एक बहुत ही बड़ा ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। अब वो स्पाइडरमैन का नहीं है, ये आपको पहली चीज क्लियर कर दूं, पर शायद व्हाट इफ का ट्रेलर हो सकता है। तो होपफुली वो ट्रेलर बहुत बड़ी मूवी का होगा, और वो किसका होगा अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। तो इंतजार करिए नेक्स्ट वीक तक का। और देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, और देन चैनल को सब्सक्राइब करो, उसकी बहुत ज्यादा नीड है। तो गाइस आज के बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।